आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन का कीबोर्ड छोटा हो गया है तो अपने फ़ोन का कीबोर्ड बड़ा कैसे करें, कीबोर्ड को नॉर्मल कैसे करें। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड ओपन करिए। हमने जैसे कि व्हाट्सएप ओपन किया तो टाइपिंग के लिए कीबोर्ड ओपन करिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से आपका कीबोर्ड एक साइड आता है, राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड, तो आपके फ़ोन में ये वाला जो एरो आएगा, इस एरो बटन पे क्लिक करिए। अब कीबोर्ड नॉर्मल हो गया है। और अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से कीबोर्ड आता है तो यहाँ पे कीबोर्ड में आपके लेफ़्ट में ये आइकन आएगा, ये वाले आइकन पे क्लिक करिए। फ्लोटिंग आएगा, फ्लोटिंग पे क्लिक करिए। और फ्लोटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपका फ़ोन का कीबोर्ड नॉर्मल हो गया है। और अगर आपके फ़ोन में ऐसा कीबोर्ड आता है तो यहाँ पर आप ये लेफ़्ट में इस वाले आइकन पे क्लिक करिए, नीचे रिसाइज बटन आएगा इस पे क्लिक करिए, और ये वाला जो एरो आएगा इस पे क्लिक करिए, और अब ये राइट पे क्लिक करिए तो कीबोर्ड नॉर्मल हो गया है। और अगर कीबोर्ड नॉर्मल नहीं होता है तो इसके लिए फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग में नीचे आइए, ऐप्स पे क्लिक करिए, ऊपर ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। अब फ़ोन के सारे ऐप आएंगे तो ऊपर ये सर्च ऐप पे क्लिक करिए, टाइप करिए जीबोर्ड। अब ये जीबोर्ड पे क्लिक करिए, फोर्स स्टॉप करिए, नीचे इस पे क्लिक करिए, और नीचे स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए, क्लियर कैशे करिए, क्लियर डेटा पे क्लिक करिए, डिलीट या फिर ओके करिए। तो ये करने से कोई डेटा डिलीट रीसेट नहीं होता है। तो आप ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद चेक करिए, कीबोर्ड पहले जैसा वापस नॉर्मल हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।